तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ढोलक का बिगनर लेसन देने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको मैं ढोलक के बेसिक्स और ढोलक को किस तरह से आपको बजाने से पहले क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना है वो सब के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ढोलक बजाने से पहले आपको क्या करना है। ढोलक बजाने से पहले दोस्तों आपको अपने हाथों को बहुत ज़्यादा ढीला करके रखना है दोस्तों। दोस्तों जब हम शुरुआती स्टेज पर होते हैं तब यही दिक्कत होता है कि हमारा हाथ जो होता है दोस्तों वो फ्री नहीं होता है दोस्तों, वो हमारा हाथ टाइट होता है। हमको दोस्तों ढोलक की आदत होती नहीं है तो हमारा हाथ टाइट होता है। तो हमको दोस्तों ये कोशिश करना है कि हमारा हाथ जितना हो सके उतना ढीला कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे का लेसन बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है इसके लिए। अब दोस्तों मैं आपको ढोलक पे ता कैसे बजाते हैं उसके ऊपर बताऊंगा। सो दोस्तों ता बजाने के लिए आपको ये वाली उंगली का यूज करना है दोस्तों, ये वाली उंगली का दोस्तों। इस उंगली को आपको इन तीनों को अलग करना है दोस्तों और इस एक को अलग करना है। तो दोस्तों आपको इस तरह से कुछ अपने हाथों को रखना है और ढीला करके रखना है दोस्तों, इन तीनों को चिपका कर रखना है, इसको अलग करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको ता हिट करने के लिए यहाँ हिट करना है दोस्तों, ऐसे दोस्तों आपको किनार पे हिट करना है, इस तरह की आवाज आना चाहिए। दोस्तों इसे हम ता और ना दोनों तरह से हम कह सकते हैं, ता और ना ढोलक का ये बोल है, मतलब इसे आप ता या ना दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। आपको दोस्तों पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है हफ्ते भर, दोस्तों आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको दोस्तों और कई सारे बोल्स बताता हूँ कि ढोलक में क्या क्या है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों ता या ना। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं तिट। तो दोस्तों तिट बजाने के लिए आपको इस वाली उंगली को सबसे पहले यहाँ पे हिट करना है, ती, इसे हम बोलते हैं दोस्तों ती, ये होता है दोस्तों ती, इसे बोलते हैं हम दोस्तों ट। तो ती ट, आपको जहाँ पे ती आपने मारा है वहीं पे आपको टा मारना है दोस्तों। तो ती ट, ती ट, दोस्तों ये यहाँ नहीं मारना है आपको, यहाँ पे किनारे पे ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ती ती त, दोस्तों ये ती ते हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ नहीं करना है। आपको दोस्तों ती थोड़ा अंदर करके, ना ही ज़्यादा अंदर और ना ही ज़्यादा बाहर दोस्तों, आपके जहाँ आपका दोस्तों उंगली खत्म हो रहा है बस दोस्तों आपको वहीं तक ले जाना है इसको। ती ट, ती ट, दोस्तों इसे हम बोलते हैं ट, ये तीन उंगली को हम बोलेंगे दोस्तों ट जब हम ये यहाँ हिट करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद जो ये है दोस्तों इसे हम बोलते हैं टी। तो दोस्तों आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। टी ट, ये था दोस्तों हमारा ता, ता ढीले हाथ दोस्तों करके आपको ढीले हाथ करके मारना है इसको, टी ट, टी ट, टी ट, टी ट। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है कम से कम हफ्ते भर दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना है इसी तरह से, टी ट, टी ट। अगर दोस्तों आपको इतना तेज नहीं हो रहा तो दोस्तों धीरे से करिए आप, ता ती ट, ता सॉरी दोस्तों ता ती ट। दोस्तों इधर और एक और बोल बसता है दोस्तों इस चाटी साइड, जो हम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इधर बसता है दोस्तों तीन। तो तीन बजाने के लिए दोस्तों आपको ये वाली उंगली को यहाँ हिट करना है, जैसे हम दोस्तों यहाँ ता बजा रहे थे, तो तीन बजाने के लिए आपको आगे थोड़ा हिट करना है तीन, दोस्तों इसे हम बोलते हैं तीन। तो ये हमारा तीन है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा तीन हो गया। आपको दोस्तों मैं शुरू से बताता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है इस लेसन में दोस्तों। हमने सीखा ता, ता वैसे बजाओगे दोस्तों किनारे पे आपको मारना है, ना ही ज्यादा अंदर और ना ही ज्यादा बाहर दोस्तों, बिल्कुल किनारे पे मारना है। तिट बनाने के लिए वैसे ही दोस्तों, ना ही ज्यादा अंदर और ना ही ज्यादा बाहर, ती ट, ती ट। दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ आप एक कॉपी में ये सब नोट करते रहे, ती ट ये सब बोल लो दोस्तों, लिखते रहे, बहुत काम आएगा आगे जाके आपको दोस्तों, ती ट, ती ट। क्योंकि दोस्तों अगर आप ABCD जानते हो तो आप वर्ड्स और सेंटेंस भी बनाना जान पाओगे, इसलिए दोस्तों आप ये सब लिख के रखिए। दोस्तों मैंने लास्ट में सीखा तीन।
दोस्तों गांवों में इस तरह से बताते हैं, मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई लेसन नहीं देना होगा। बाद में दोस्तों कभी और किसी दिन हम ऐसा सीखेंगे कि इस तरह से कैसे बजाया जाता है गांव वाले या देहाती स्टाइल में। तो दोस्तों आज का ये मेरा लेसन आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो ढोलक के बारे में, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट कीजिए कि मैं और आपके लिए नए नए वीडियो ढोलक के ऊपर बना सकूँ। दोस्तों मैं दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको इसी तरह से तरह तरह के लेसन दूंगा दोस्तों ढोलक में। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अपने दोस्तों में शेयर करना हो दोस्तों, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आने वाले वीडियो में मैं अपनी गलती को सुधार के दोस्तों और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका।